यहाँ से पूरा टूट गया ये, एंड पीछे से आई थी ना गाड़ी एकदम से यहाँ पे बजी। जान दो ना इसको टेढ़ा, मैं भी खींचता हूँ। नया लुंगड़ू चौक बना है भाई यहाँ पे। चुन्नी लगाई है भाई। भाई को कोई भी चलाएगा ना वहाँ कसम दिल करेगा खरीद लूँ मैं। KTM को चिक मैग्नेट ऐसे नहीं बोलते भाई। सो हे यूट्यूब, हाउ आर यू डूइंग? वेल, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत दिनों के बाद मैं पोस्ट कर रहा हूँ यार, काफी टाइम हो गया था मेरे को ब्लॉग वगैरह बनाए हुए। सो फाइनली अभी हम घर आए हुए हैं। साफ सफाई चल रही है भाई पूरे घर की, पूरे घर की बुरी हालत तो रखी हुई है। एंड ये देखो टायर भाई, टायर का तो कंडीशन देखो पूरा खत्म हुआ रखा है। ये खड़ी रखी हुई थी ना मैंने घर पे, ये तो फूस हो गया। एंड ये टायर भी खत्म हो चुका हुआ है। पूरी सड़क पे पूरा घास घास रखा हुआ था यार, ये पापा ने सारा साफ कर दिया। आगे हवा भराते हैं योल में। और सर कैसे? बस 5 मिनट हुए, फोन क्यों नहीं मारा मेरे को? अच्छा मेरे को लगा अभी टाइम लगेगा आपको आने में। चलाओ यार हवा भरानी है मैंने पहले। एंड यार यहाँ पे ना मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था यार पिछली बार, इसी रोड पे यहीं जैसे एक्सीडेंट हुआ था मेरा। पीछे से आके मेरे को ना गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था। हवा भरा दो। अच्छा खाना खा रहे हो? पीछे से आके ना मेरे को एक अंकल ने ठोक दिया बाइक, यहाँ पे साइड में बजी हुई है पूरी। गाड़ी दिखाता हूँ मैं आगे चल के। एंड देन मेरे से लड़ने लग पड़े यार अंकल, बोलते कि तेरे पास बाइक है तू तेज चला था। एक्चुअल में यही स्पीड थी, इस स्पीड से मैं चला हुआ था एक लेडी के पीछे, और लेडी एकदम से मुड़ी अंदर को, मैंने ब्रेक लगा दी और पीछे से आके अंकल ने मेरे को ठोक दी। तो बोलता तेज चला था, मैं ट्रैफिक में क्या तेज चलूंगा यार मैं। बाकी सारे लोग मेरा बोलने लग पड़े इसकी कोई गलती नहीं है, लेडी की गलती है और आपकी गलती है, आप पीछे से ओवरटेक करके आ रहे हो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके आ रहे हैं। भाई अंकल पीछे से आके ठोक दिया मेरे को, फिर ऊपर से बहसने लग पड़े कि ऐसे ये वो, मेरे को पैसे दे 8,000 रुपया। ये गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर ऐसी सी, बोलते 8,000 रुपये का बम्पर है, 8,000 रुपया दे मेरे को। मैं तेरा दिमाग खराब हुआ है, 8,000 रुपया दूंगा मैं तेरे को। फिर मैं वहाँ से बाइक लेके चला गया, मैंने जो करना है कर लो। और उसके बाद अंकल चला गया भाई थाने, पुलिस थाने से मेरे को फोन आया भाई, थाने में कंप्लेन रजिस्टर हुई है तेरे अगेंस्ट। वहाँ पे जाके यार बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ। फिर लास्ट में गलती तो बाइकर्स की आ जाती है यार, पुलिस वाले मेरी सुन ही नहीं रहे थे। पुलिस वालों ने सुना नहीं, मेरे से पूछा नहीं हुआ क्या था क्या नहीं, उन्होंने सीधे बोला भाई तेरी गलती है। मैं अभी बैंसा उनके साथ पर मेरी सुनाई नहीं कर रहे थे यार। सो एज अ बाइकर ना यार तुम भी वो सही से चला करो यार, तुम्हारी गलती भी नहीं होगी ना तब भी दुनिया तुम्हारी गलती बना देगी यार, क्योंकि तुम्हारे पास बाइक्स ही ऐसी हैं यार। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना उस एरिया में लोगों को पता भी नहीं था एक्चुअल में हुआ क्या है, तब भी लोग इस बाइक को देख के आके बोल रहे थे तेज चला होगा। वही बात होती है, पुलिस स्टेशन में भी ऐसे हुआ, उन्होंने तो मेरे से पूछा तक नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वालों ने बोला कि 8,000-6,000 रुपये दे दें इसको, रफा दफा करो। तो मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी का ये फेंटर ही फेंटर इतना महंगा है ना, 8,000 क्या, 10,000 से 15,000 रुपये आराम से गया मेरा। ये देखो यहाँ से पूरा टूट गया ये, एंड पीछे से आई थी ना गाड़ी एकदम से यहाँ पे बजी ऐसे करके। तो उस गाड़ी का बम्पर मैं फोटो डाल दूंगा, उस गाड़ी का तो बम्पर टूट गया था। इसका तो फाइबर बहुत, बोलते हैं ना कि KTM प्लास्टिक की बनी है, प्लास्टिक नहीं है भाई ये फाइबर है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई ये। पूरा झटका सह गया गाड़ी का, ये देखो हल्का हल्का क्रैक है यहाँ पे नीचे साइड ये वाला, बाकी तो सह गया ये। फिर लास्ट में कॉम्प्रो यही हुआ कि लास्ट में कुछ नहीं कर सकता था यार, और पुलिस वालों ने बोला मैं केस रजिस्टर कर दूंगा फिर अगर नहीं मानोगे तुम तो। एंड अंकल तो बोल रहा था कर दो, और उसमें क्या होना था कि दोनों गाड़ियाँ हमें अंदर रखनी पड़नी थी कस्टडी में, जब तक केस 3-4 साल चलता या 5 साल चलता तब तक गाड़ी अंदर ही रहनी थी, फिर ये हो जानी थी कंडम। तो इसके प्यार के लिए मेरे को झुकना पड़ा वहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं करा दूंगा ठीक। फिर उसके बाद अंकल बोलता मैं आऊँगा नेक्स्ट संडे को, ऊना से था फिर वो आया नहीं, तो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ठीक हो। एंड मैंने तो बड़ा मिस किया यार तुम लोगों को, पहले तो मेरे को धड़ाधड़ कमेंट्स वगैरह आते रहते थे, मैं पढ़ता रहता था खुश होते रहता था। जब से यूट्यूब बंद किया है तो तब से ना कमेंट आते हैं ना ही व्यूज़, सब कुछ ख़त्म। सो गाइस बर्नआउट मार के देखते हैं भाई। तार निकल गई यार, काटो इसको कुछ करके। घर में टायर भाई खींच दो जहाँ तक निकलती है। भाई कितनी लंबी तार होती है यार भाई, भाई इतनी लंबी तार, बस निकलने वाली है। जान दो
करना है इसको टेढ़ा, मैं भी खींचता हूँ। बेंचोद इतनी लंबी तार यार, भाई काटने पड़ेगी यार। गाइस बहुत मुश्किल के बाद भाई वायर काटी है, भाई की टूल किट निकाली थी बाइक से। एंड ये ड्यूक बहुत सेक्सी है यार, बहुत ही प्यारी ड्यूक है। अभी टायर में हवा हुआ तो है, तारे स्टेबलाइज के लिए बनाई होती है इन्होंने, हीटिंग वगैरह का भी कुछ रेडियल टायर का सीन रहता है। भैया पोलो है दे दो एक यार। सो गाइस फाइनली फ्रेश रबड़ भी डल चुका है भाई, पूरा टायर नया फ्रेश फ्रेश, बहुत अच्छा लग रहा है यार। गाइस ये नया लुंगड़ू चौक बना है भाई यहाँ पे। कितना फनी चौक बना दिया है भाई। लुंगड़ू यहाँ की एक सब्जी होती है यार, जो कि पहाड़ों में उगती है, वो भी ठंडे इलाके में, तो और कहीं नहीं उगती, सिर्फ पहाड़ों में उगती है, ठंडे इलाके में सिर्फ। तो इन्होंने यहाँ पे लुंगड़ू चौक बना दिया भाई। नीचे ला जाएगी तो दे देना मेरे को ना भाई, बोलता आप चलाओ यार मेरी बाइक की फील लो। चुन्नी लगाई है भाई, इस बाइक में बैठते फील आ जाती है यार। आप सबको ये डैशबोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा, पर मेरे को ये डैश भी नहीं दिखाई दे रहा। बट यार लुक एट दिस व्यू, पूरा फॉग है भाई ये, पूरा फॉग। और तेरे ये फॉग करते करते मैं, जब ऊपर जाएंगे ना वहाँ पे धुंध मिलेगी भाई हमें फुल पावर ही। आगे का कुछ नहीं दिखाई देता, बस सड़क ही दिखाई देती है, ऐसे लगता है उड़ ही रहा हूँ मैं हवा में। पर पावर के मामले में तो भाई पावर है इसकी। ओ भाई साहब, और ऊपर से ब्रेकिंग है भाई इस बाइक की, लाजवाब भाई, चुम्बेश्वरी। तो भाई की बाइक चलाई हुई है मैंने पहले भी भाई, जो मेरे को मन किया ना इस बाइक को लेने का, मतलब इस बाइक को कोई भी चला लेना मन करता है कि भाई खरीद लें यार, मैं जोक नहीं कर रहा। इस बाइक को कोई भी चलाएगा ना, माँ कसम दिल करेगा खरीद लूँ मैं। भाई साहब क्या फन है भाई इस बाइक में, क्रेजी। ये देखो गाइस फॉग, फॉग मिल चुकी है हमें यहाँ पे। भाई को मैंने बोला कि अगर आपसे मेरे से मेरी आरसी नहीं चलाई जाएगी तो मेरे को वापस कर देना, पर अब मेरे को मन नहीं कर रहा भाई को वापस देने का इसको यार। इतना फन है यार इस बाइक में, क्रेजी मशीन यार, लव इट लव इट। और ऊपर से क्या बोलते हैं, इसमें मेटजलर्स टायर डले हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, बट वो एजेंसी देती है इन बाइक्स के साथ, तो उससे भी काफ़ी अच्छे कंट्रोल बन रहा है। जो पुरानी चीज़ें रहती है ना, वो टाइम के साथ ना उनकी बैठ जाता है यार, हर एक चीज़ की एज होती है, वो वैसा फील नहीं रहता बाइक में। पर ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना भाई, उसके साथ अपग्रेड भी करना चाहिए। पुरानी चीज़ें भी रखनी चाहिए बट न्यू टेक्नोलॉजीज भी रखनी चाहिए, क्योंकि एडवांसमेंट ही सबसे बेटर रहती है। अपडेट्स, और जो भी अपडेट्स रहते हैं वो अच्छे के लिए ही होते हैं, सिवाय इलेक्ट्रिक के। इलेक्ट्रिक से मेरे को बहुत नफरत है। एंड फाइनली हम एंटर हो चुके हैं हेवन में, जो कि ज़ीरो विजिबिलिटी होने वाली है ऊपर। एंड लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, क्या ही मंजर है भाई, क्या ही मंजर है। शिप बोले की जगह है भाई, देवभूमि इसको ऐसे नहीं बोलते। हाँ तो मेरे को वो भी नहीं दिखाई दे रहा कैफे, पूरी धुंध धुंध रखी है भाई। ड्यूक से विली बहुत सेक्सी उठती है। इतने दिनों के बाद इतना मज़ा आ रहा है ना भाई राइड करके, और ऐसा कुछ मौसम है, इस मौसम को करके भाई मज़ा आ रहा है। पहले तो यार खज्जल हो गया यार बाइक वगैरह, टायर फट गया, इनको भी खज्जल किया यार मैंने। यहाँ पे आके थोड़ा मन खुश हुआ यार, बहुत प्यारा बहुत प्यारा व्यू हो रखा है। 360 में देखो पूरा अल्टीमेट हो रखा है वेदर। हम यहाँ पे कोको कोला और मैगी इंजॉय कर रहे हैं, और लड़कियों को देखो भाई, KTMs को चिक मैग्नेट ऐसे नहीं बोलते भाई। एमटी वाले के लिए बुरा लग रहा है, एमटी वाले के लिए बुरा लग रहा है, उसकी बंदी भी हमारी बाइक में फोटो खिंचा रही है। चलो बाइक से ऐसी हैं। तो गाइस यार बहुत मज़ा आया आज, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम कितने किस्मत वाले हैं यार सारे, मतलब कितने किस्मत वाले हैं कि हमें राइडिंग के लिए ऐसी जगह है यार। और ये देखो सामने होटल्स वगैरह बन रहे हैं ऐसे ऐसे एरियाज़ में, गर्मी भी बढ़ रही है भाई यहाँ पे। जो बंदे पावरफुल हैं वो तो बनवा लेते हैं होटल। दो दिन मोड़ काटेंगे ना, गर्मी भी बढ़ जाएगी एंड धूप भी आ जाएगी यार। पहले ये फोग पूरी जाती थी नीचे तक यार, शीला चौक तक, हमारे घर तक आ जाती थी, मेरे घर तक ना हर दो तीन दिन छोड़ के फोग ये नीचे तक पहुँच जाती थी। पर अब यहाँ का क्लाइमेट ऐसे चेंज हुआ है, वो देखो कितनी धूप है नीचे साइड यार, कितनी ज़्यादा धूप है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा हो गया, अब ये धुंध और ये ठंड यहाँ तक लिमिटेड रहेगी है, पर एक दो डिग्री का फर्क पड़ जाएगा अभी मेरे घर तक। तो वही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी, जैसे जैसे होटल्स वगैरह बनते रहेंगे, जंगल कटते रहेंगे, तो गर्मी भी बढ़ती रहेगी। सो गाइस पहुँच चुके हैं नीचे, एंड यहाँ तक बारिश अभी पड़ ही रही है, तो इस जोन से निकलते हैं यार जल्दी जल्दी से निकल के। GoPro यार भीग ना जाए मेरा, मेरे को तो लग रहा है नीचे भी मिली जाएगी बारिश, मैं GoPro डाल ही देता हूँ। सो एनीवेज यहीं पे मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी डालूंगा कोई नया ब्लॉग भी मैं। एनीवेज दिस इज कैप्टन बाइक रेवल साइनिंग ऑफ, सो स्टे ट्यून फॉर मोर ओरिजिनल, कीप गाइस पोस्टेड एंड कमेंट वगैरह जरूर करना गाइस, एंड लाइक भी कर देना वीडियो को, एंड शेयर वगैरह भी कर दिया करो यार अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो जो मेरे को दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। सो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर मोर ओरिजिनल, कीप गाइस पोस्टेड, बाय बाय, यूट्यूब बाय, लव यू।